फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलपी राकेश में आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे। और मुझे इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं बिजी हो गया था, और आज मुझे टाइम मिली है क्योंकि आज मेरी पीरियोडिक रेस्ट लगी है। पीरियोडिक रेस्ट में 30 आवर्स की रेस्ट मिलती है, तो आज मुझे टाइम मिला है तो इसलिए मैं आज वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में सारे बुक का नेम डिस्कस करूँगा जो मैंने CBT 1 एग्जाम के लिए फॉलो किया था। जो भी ALP की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। और आप लोग जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि वीकली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकूँ जब जब मुझे टाइम मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और मैं आगे आप लोगों को सब बता दूंगा कि कौन कौन से बुक मैंने फॉलो किया था और कौन कौन से बुक मेरे लिए अच्छी साबित हुई थी। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। एंड सा ये जानते हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले मैथ के बुक के बारे में नाम बताऊंगा जो जो मैंने फॉलो किया था। तो मैंने सबसे पहले RS अग्रवाल को फॉलो किया था जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें बेसिक बहुत ही अच्छा से आपका क्लियर हो जाएगा और इसमें लेवल इंक्रीज होती है क्योंकि इसमें बेसिक टू हार्ड क्वेश्चन बहुत सारे दिए रहते हैं। तो आप लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं सागर अहमद का बुक फॉलो किया था जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स दिया गया है, तो उसको कुछ टॉपिक मैंने फॉलो किया था उससे। और उसके बाद मैंने स्पीडी का भी बुक फॉलो किया था जो मैथ के बुक आता है, उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक बहुत ही अच्छे लगी थी मुझे, जैसे बोट एंड स्ट्रीम के। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं और आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने वाईफाई स्टडी को फॉलो किया था, साहिल सर की मैथ क्लासेस की पुराने वीडियो आप लोग देखिएगा जो 2018 वाली वैकेंसी में सर पढ़ाए थे, उसमें काफ़ी अच्छी सर ने पढ़ाया था, तो उससे हेल्प मिल जाएगी। और यही सारे कुछ मैंने फॉलो किया था तो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर दिया हूँ अभी। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। और इतने सारे मैंने मैथ के लिए ये सारे कुछ फॉलो किया था, और जो भी मुझे डाउट होता था मैथ में, मतलब सेट प्रैक्टिस करता था डेली, और जो भी मुझे डाउट होता था तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से बनाता था और वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता था। तो आप लोग भी कर सकते हैं ऐसे प्रैक्टिस करते टाइम, अगर आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लगता है तो आप लोग फिर से बनाइए उसको। सब जानते हैं साइंस के बुक के बारे में जो मैंने फॉलो किया था और मैं अभी आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैंने लूसेंट को फॉलो किया था क्योंकि उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और सिलेबस को टैली करते करते आप लोग सारे टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा। तो लूसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है जनरल साइंस की, उसको फॉलो करिए। और लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसको भी आप फॉलो करिएगा। कोई जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ करके, आप लाइट चैप्टर पढ़ करके आप उससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिएगा, तो आपको आप लोगों की प्रैक्टिस इससे होते रहेगी। और फिर मैंने फॉलो किया था स्पीडी का साइंस भी फॉलो किया था बुक, और उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन, फिर आप लोग NCERT बुक को भी फॉलो कर सकते हैं अपना बेसिक क्लियर करने के लिए अप टू 10th लेवल तक। तो आप लोग बायोलॉजी को ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि हम लोगों के समय बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत डीपली पूछा गया था। तो आप लोग इन सारे को फॉलो कर सकते हैं, और ये सारे कुछ मैंने फॉलो किया था और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करूंगा जनरल नॉलेज के बुक सारे। तो फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले तो लूसेंट, सबको पता है जो भी तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन के, लूसेंट बुक को फॉलो करिएगा। और उसके बाद आप लोग कोई भी जनरल नॉलेज की बुक को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि जनरल नॉलेज तो बहुत रहता है इसकी सिलेबस, इसमें कभी भी आपको ख़त्म नहीं होगी, आप पढ़ते रहेंगे फिर भी आपको लगेगी बहुत कमी मैंने तैयारी किया है इस पर। तो आप लोग जो भी बुक मार्केट में, सारे बुक अच्छे हैं जनरल नॉलेज के लिए, तो आप लोग लूसेंट को लेकिन बेस्ट बना के चलिएगा।
इसके लिए पढ़िएगा, और स्पीडी का भी बुक आता है सामान्य ज्ञान का, तो उसको फॉलो करिएगा, और ऑनलाइन भी हेल्प लीजिएगा, जो भी चैनल आपको सही लग रहा हो तो उससे आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। और फिर आप लोग जो भी पढ़िएगा वो डेली पढ़िएगा, जैसे आप 5 पेजेस रोज पढ़ेंगे कोई भी स्पीडी या किसी भी बुक से, तो 5 पेजेस को क्विक रिविज़न कर लीजिएगा। जैसे कि आप 5 पेजेस में सारे कुछ पढ़ लिए तो आपको उसमें से 50% याद है, तो उन सारे को छोड़ करके जो भी बचता है उसको पढ़िएगा डेली, तो उसमें से फिर आपकी 20% या 30% कवर हो जाएगी। फिर ऐसे करते करते आपके सारे 100% कवर हो जाएगी, तो ऐसे करते करते आपका पूरा कमांड हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे पढ़िएगा। और रीजनिंग के बुक के बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको, तो रीजनिंग के लिए आप आर्यन पब्लिकेशन की बुक बहुत सारे मार्केट में वो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। और रीजनिंग के लिए तो आपको कहीं से भी कोई भी बुक ले लीजिए, सारे अच्छे हैं। और आप ये देख सकते हैं ऑनलाइन, कोई भी अगर टॉपिक आपको डाउट होती है तो आप देख लीजिएगा ऑनलाइन, सारे वीडियो बहुत सारे अवेलेबल है, कैलेंडर बहुत ही अच्छा है, टॉपिक उसको जरूर अच्छे से करिएगा, उससे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे। तो आप लोग रीजनिंग के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, आर्यन पब्लिकेशन का मैंने फॉलो किया था। तो फिर के लिए आप लोग डेली कोई भी चैनल को देखिए जो डेली करंट अफेयर कवर करते हो, उसको एक नोट्स बनाइए अलग से हर मंथ के। और स्पीडी की भी बुक आती है जो कि 1 ईयरली पूरे 1 साल की निकाल देती है एक ही बुक में, तो उससे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, तो आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी उस बुक से। तो फ्रेंड्स ऐसे करके मैंने तैयारी किया था, और आपको अपना भी मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा जब आप तैयारी करोगे, जो आपको टेक्निक अच्छा लगता है उसको फॉलो करके आप अपना पढ़ाई करिएगा, और अपने दिमाग से चलिएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना कैपेबिलिटी होता है तैयारी करने में। तो आप लोग अपना दिमाग लगाइए, और मुझसे जितना हेल्प हो सकेगा मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, और मैं जो जो जैसे जैसे मैंने तैयारी किया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और भी। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कुछ डाउट होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स।